मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सदन से वॉकआउट करने के बाद सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था ऐसे नहीं चलेगी, एक नहीं अनेकों घटनाएं सामने हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इस्तेमाल से बस तबादले के लिए हो रहे हैं, पुलिस के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। सदन से वॉकआउट को लेकर के कहा कि हमने सरकार के रवैये के खिलाफ वॉकआउट किया है, हम गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे, सरकार के इस रवैये का बहिष्कार करते हैं। वहीं सरकार पर सदन में मामला नहीं उठाने की भी बात कही। कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चौपट हो गई है, पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची। अभी दो दिन पहले ही भोपाल के हुजूर विधानसभा क्षेत्र के गांव में खींचड़ी में बच्चा लापता होता है, बाद में उसकी लाश मिलती है। चित्रकूट में श्रेयांश और प्रियांश अपहरण होता है, 13 दिन तक अपहरण करता रखे रहते हैं, गृहमंत्री बयान देते रहते हैं, बाद में उसकी हत्या हो जाती है। एक नहीं ऐसी सैकड़ों घटनाएं रोज घट रही पूरे मध्य प्रदेश में। हमने आज इस मामले को उठाया और उसके बाद जब मुझे अध्यक्ष महोदय ने बोलने का अवसर दिया तो फिर रोका टोकी हुई। हमने सरकार के इस रवैये के खिलाफ बहिर्गमन किया है, हम गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं।